गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मायसेल्फ जनसारी किशोर। टुडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, चैप्टर नंबर 10। इन लास्ट वीडियो आई हैव कंप्लीटेड 10.1 एंड 10.2। Now in this video, I will explain you 10.3 and 10.4. So before starting 10.3, let's see the remember. Perpendicular from the center of the chord. Perpendicular from the center of the chord. अगर कोई circle है, circle का जो center point है, वहाँ से अगर कोई perpendicular chord पर आता है तो वो ऑलवेज बाइसेक्ट होता है। तो 10.3 बताया कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कोर्ड बाइसेक्ट द कोर्ड, कोर्ड के दो इक्वल डिवीजन हो गए। 10.4 ये कह रहा है थ्योरम कि द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोर्ड इज परपेंडिकुलर द कोर्ड। अगर कोई लाइन सेंटर से लाइन अगर कोई कोर्ड को इक्वली डिवीजन करती है तो उसको परपेंडिकुलर कहा जाएगा। अबो टू थियरम्स आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर। नाउ इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कोर्ड ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कोर्ड ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और दूसरा दिया है सर्कल थ्रू थ्री पॉइंट्स। ओके, एक इनफाइनेटली मेनी सर्कल्स पासिस थ्रू द पॉइंट गिवन इन द प्लेन। सिमिलरली इनफाइनेटली मेनी सर्कल्स पास थ्रू टू पॉइंट्स गिवन इन द प्लेन। नाउ 10.5 है, देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से उसमें से ओनली वन सर्कल ही क्या होता है, पास होता है। नोट दिया है गिवन अ ट्राइंगल ए बी से अकॉर्डिंग टू थियरम 10.5 देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिस थ्रू ऑल द वर्टेक्स ऑफ ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। दिस सर्कल इज कॉल्ड द सेमी सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्क्यूम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड रेडियस आर कोल्ड सर्क्यूम सेंटर एंड सर्क्यूम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो नाउ लेट्स सी 10.3। तो 10.3 में क्या दिया है कि जैसे यहाँ पर है कि ड्रॉ द डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल। How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? तो यहाँ पर ये pair of circle जिसमें common point, यानी ये दोनों center जो circle है अलग अलग, इसमें कोई common point नहीं है। ओके, दोनों एक दूसरे का टच नहीं होते। अगर टच होता है तो एक जगह टच होता है तो वन, दो जगह टच होता है टू, यहाँ पर टच नहीं होता है तो यानी common point क्या है, जीरो। अभी ये से देखो ग्राफ, तो उसमें देखो यहाँ एक पॉइंट टच होता है तो उसको बोला है वन, यहाँ पर एक और ये दो, दो पॉइंट टच होता है यानी क्या होगा दो। अभी ये सेंटर जो सर्कल था अंदर की ओर चला गया, वहाँ पर एक पॉइंट पर टच होता है तो वन। सेंटर के अंदर सर्कल के अंदर सर्कल कर दिया यानी कॉमन पॉइंट कोई नहीं है तो हो गया जीरो। ओके, थस गिवन अ पेयर ऑफ सर्कल द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट दे हैव ए टू। तो कोई भी दो सर्कल है अगर दोनों अगर दूसरे को टच होते हैं तो मैक्सिमम उनके कॉमन पॉइंट कितने हो गए, दो, वन भी हो सकता है। ओके, अगर ये एक जगह होता है तो वन। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइंड इट्स सेंटर। अगर आपको कोई सर्कल दिया गया है तो उसका सेंटर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करने का, सर्कल पर दो कोड बनाएगी, जैसे ए बी और बी सी हमने कोड बना दी।
ए बी बी सी की कोण बनाने के बाद आपको ए बी का परपेंडिकुलर और बी सी का परपेंडिकुलर बनाओ। ओके, ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करो, बी सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करो, और ये दोनों जहाँ पर टच होते हैं उसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। ओके, यहाँ पर पॉइंट दिए कि इन द गिवन सर्कल ड्रॉ कोण ए बी और बी सी विथ वन एंड पॉइंट बी इज कॉमन, बी दोनों में कॉमन बना दो। अभी क्या करो, ड्रॉ एल द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ए बी, और इस तरह से सेम। ओके, आपको क्या करना है, बी का भी बनाना है। ओके, तो ए बी एंड एम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अभी ये जो एल लाइन और एम लाइन दोनों जहाँ पर टच होती है उसको एक नाम दे दो ओ। एल एंड एम इंटरजेक्ट्स एट ओ, सो ओ इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। एकदम इसी फिर से रिपीट करता हूँ कि एक सर्कल है, अगर उसका सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ए बी और बी सी, दो आर्क जिसमें बी क्या है कॉमन हो एक। उसके बाद एल लाइन ड्रॉ करो कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी हो, एक एम लाइन ड्रॉ करो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी हो। अभी ये जो एल और एम को जहाँ पर टच होता है उसको क्या दे दो, ओ दे दो। तो उसको बोलते हैं लेट एल एम एन इंटरजेक्ट्स एट ओ, सो ओ इज़ द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। नाउ सी द थर्ड वन, इफ टू सर्कल इंटरजेक्ट्स एट टू पॉइंट, अगर दो सर्कल दो पॉइंट पे टच होते हैं, जैसे यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर ए और बी, यानी ए बी पर दोनों क्या होते हैं टच होते हैं, दो उनके क्या है कॉमन पॉइंट है। Prove that that center lies on the perpendicular bisect of the common chord. Okay, तो उनके जो perpendicular bisector common chord होगी। Okay, देख लेते हैं, here two circle on O and P intersects each other at the A or B, AB and OP intersects at M point. Now triangle OAP, OAP ये triangle हुआ और दूसरा हुआ ओ बी पी, ओ ए पी ओ बी पी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्योंकि वो दोनों रेडी से। ओके, और पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये भी क्या है रेडी से। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी क्योंकि वो कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बने ओ ए पी कॉन्ग्रेंट ओ बी पी। ओके, एस 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 तीनों साइड क्या है सेम के हिसाब से। अगर ये हुआ तो ए ओ पी और बी ओ पी ये सी पी सी टी होगा, तो ए ओ एम और बी ओ एम ये भी दोनों क्या होगा सेम हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ एम और ट्राइंगल बी ओ एम, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्योंकि वो भी रेडिस है। ओके, ओ ए और बी क्या है रेडिस है, तो ए ओ एम और बी ओ एम, ओ एम ओ एम कॉमन पॉइंट है, तो ये भी एस से एस के हिसाब से ए ओ एम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ओ एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम एंड ए एम ओ इज इक्वल टू बी एम ओ, ये सी पी सी टी हो जाएगा। तो ए एम ओ बी एम ओ 180 लीनियर पेयर है, तो ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ 180 बाई 2 यानी 90 का हो जाएगा। थर्स लाइन ओ एम एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, हियर लाइन ओ पी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, थर्स द सेंटर ओ एंड पी ऑफ द सर्कल इंटरजेक्ट इन पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोर्ड ए बी। तो यहाँ पर आपका जो 10.3 है वो कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स सी, रिमेंबर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट, लेट ए बी बी ए बी बी अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन ए बी, फ्रॉम पी ड्रॉ परपेंडिकुलर पी एम टू ए बी वेयर पॉइंट एम लाइज ऑन ए बी, द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर सेगमेंट पी एम इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ लाइन ए बी फ्रॉम पॉइंट पी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम लाइन ए बी, इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द ए बी देन डिस्टेंस फ्रॉम इट्स लाइन जीरो। अभी यहाँ पर इक्वल कोड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर,
थ्योरम 10.6, तो इक्वल कोड ऑफ द सर्कल, कोई एक सर्कल है उसकी इक्वल कोड, जैसे कि ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, ओके अभी दोनों क्या है ऑपोजिट साइड हो गए, सेंटर से क्या है जैसे ऑपोजिट साइड है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो अगर जो कोड की मेजरमेंट सेम है तो दोनों सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, ओके दूसरा दिया है थ्योरम 10.7 के कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो दोनों कोड की लेंथ क्या होगी इक्वल होगी, ओके तो उसके बारे में हम थोड़े सम देखते हैं अभी एक्सरसाइज 10.4। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 एंड 3, दो सर्कल है, एक की 5 रेडियस है और दूसरे की 3 है, इंटरजेक्ट्स एट 2 पॉइंट, दो पॉइंट पर टच होते हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, तो हमें कॉमन कोड ए बी उसकी फाइंड आउट करनी है, जैसे यहाँ पर ये सर्कल है जिसकी 5 वैल्यू है, यहाँ पर जो सर्कल है वो कितना है टोटल 4 है, क्योंकि ये 3 है इसकी वैल्यू क्या है 3, ओके एक ओ सेंटर पॉइंट है, एक क्या है पी सेंटर पॉइंट है, द सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट्स विथ ईच सेंटर पी एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए एंड बी, हियर ए बी इज देयर कॉमन कोड, ओ पी इज इक्वल टू 4, ओ ए इज इक्वल टू 5, पी ए इज इक्वल टू 3, तो ट्राइंगल ओ ए पी में ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, थस इन ट्राइंगल ओ ए पी ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, तो ओ ए पी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच ओ पी ए इज अ राइट एंगल एंड ओ ए इज अ हाइपोटेनस, थस इन अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ, ओ पी इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ टू कोर ए बी, ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी, ए बी इज इक्वल टू 2 PA, 2 × 3 यानी 6, थस द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज 6। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरजेक्ट्स विथ अ सर्कल टू दैट सेगमेंट ऑफ द वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड, यहाँ पर देखिए ये एक सर्कल है, ओ सेंटर है, ए बी कोड है और सी डी कोड है, ओके इन द सर्कल विथ सेंटर ओ इक्वल कोड ए बी और सी डी इक्वल है, दोनों इंटरजेक्ट्स एट ई पॉइंट पर हो रही है, तो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, तो ए एम इज इक्वल टू बी एम, क्यों, क्योंकि इज वन ऑफ ए बी परपेंडिकुलर, सी एन इज इक्वल टू डी एन इज इक्वल वन ऑफ सी डी, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी ये तो दिया हुआ है, तो चारों ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू सी एन इज इक्वल टू डी एन, ये हो गया 1। नाउ कोड ए बी एंड सी डी बिंग इक्वल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ओके अगर ये इक्वल है तो इक्विडिस्टेंस यानी ए एम इज इक्वल टू ओ एन हो जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एन। नाउ ट्राइंगल ओ एम ई, ओ एम ई और ट्राइंगल ओ एन ई, इसमें राइट एंगल कौन सा होगा दोनों में, एक में एम और एक में एन, यानी एंगल ओ एम ई इज इक्वल एंगल ओ एन ई, राइट एंगल ओ इज इक्वल टू ओ ई कॉमन है और ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इक्वल डिस्टेंस वाला है, तो बाय आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, तो इसके हिसाब से ये जो ट्राइंगल है ओ एम ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ एन ई, एम ई इज इक्वल टू ई एन, ये सिंप्लिसिटी हो जाएगा, तो फ्रॉम 1 एंड 2 एम प्लस एम ई इज इक्वल टू सी एन प्लस एन ई, तो ए ई इज इक्वल टू सी एन, तो सिमिलरली बी एम माइनस एम ई इज इक्वल टू डी एन माइनस एन ई, तो बी ई इज इक्वल टू डी ई बी ई, ओके बी ई इज इक्वल टू क्या होगा डी ई, उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, थस इफ
two equal chords of the circle intersect with the center, the segment of one chord are equal to corresponding segment in the other chord. Now, second one, if two equal chords of a circle intersect within a circle, prove that the line joining the point of intersect to the center make equal angle with the chord. As the data of example 2 and example 3 are same, we use the proof example 2 up to the requirement stage of do not repeat it here. So example 2, we prove that triangle OME congruent triangle ONE. So angle OEM equal angle OEN. So E or E dono common hai yahan par. Thus the line joining the point of intersects of two equal chords of the circle to center make equal angle with the chords. Okay friends, isme abhi next jo sum hai wo dekhte hai. Fifth wala dekhiye ki three girls Reshma, Salma and Mandip are playing a game by standing on the circle radius 5 drawing in a park. Reshma throw a ball to Salma, Salma to Mandip, Mandip to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandip is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandip? Okay, so ye Reshma, Salma aur Mandip. To Reshma aur Salma ka distance 6 hai aur Salma se Mandip ka डिस्टेंस भी 6 है. तो रेशमा और मंदीप का डिस्टेंस कितना होगा ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. इन शॉर्ट यहाँ से हम जैसे ये मिला है ट्राइंगल. ओके, ये ट्राइंगल हमारे पास दो हो जाएगा कि ओ आर एस और ओ एम एस. ओके, यहाँ पर इसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास ओ के आर ओ के एम, इसमें ओ आर की वैल्यू हमारे पास है, ओके की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और ओके और आर के की वैल्यू फाइंड आउट कर दी क्योंकि यहाँ पर ये आर एम क्या हो गई, एक कोड हो गई, ये इक्वल डिस्टेंस यानी आर के इज इक्वल टू के एम हो जाएगा. अगर आर के की वैल्यू मिल गई तो हमें आर एम की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि डबल हो जाएगा. ठीक है, नाउ सी कि हियर ओ आर इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू ओ एस इज 5 रेडियस ऑफ द सर्कल. आर एस इज इक्वल टू एस एम वो 6 है. इन द क्वाड्रिलेटर ओ आर एस एम ओ आर इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आर एस इज इक्वल टू एस एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. क्वाड्रिलेटर ओ आर एस एम इज अ काइट. इन द डायगोनल ओ एस बाई सेक्टर द डायगोनल आर एम इज अ राइट एंगल आर के ओ 90, ओ के इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ टू कोड आर एम, हेंस के इज अ मिड पॉइंट ऑफ आर एम, आर एम इज इक्वल टू आर के. ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओ ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एल टू कोड आर एस, आर एल इज इक्वल 1/2 आर एस, 1/2 मल्टीप्लाई 6 3. तो ट्राइंगल आर एल ओ एल है 90, तो ओ आर स्क्वेयर आर ओ स्क्वेयर प्लस ओ एल स्क्वेयर प्लस आर एल स्क्वेयर, तो 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एल स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर. तो ओ एल की वैल्यू कितनी में गई, 4. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस 1/2 आर एस मल्टीप्लाई ओ एल, 1/2 ओ एस मल्टीप्लाई आर के. ओके, तो ये 1, तो आर एस प्लस ओ एल इज इक्वल टू ओ एस मल्टीप्लाई आर के. तो 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई आर के. तो आर के की वैल्यू कितनी मिली हमने, 4.8. देन आर एम हम अगर 2 आर के है तो आर एम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4.8, तो आर एम की वैल्यू हमें 9.6. थस द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदीप इज 9.6. ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से बाकी के जो आपके 9.4 में जो सम है, ओके 6 वाला ही है, वो आपको कर देना है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.